गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो इस वक्त में हम लोगों की स्टडी जो है, हम लोगों की पढ़ाई जो है, वो काफी तेज चल रही होगी। श्योर मैं मान के चलता हूं, क्योंकि एग्जाम्स हमारे लेट हैं, लॉकडाउन की वजह से टाइम भी हमारे पास में है, तो हम लोग अपनी स्टडी को बहुत बढ़िया तरीके से इस वक्त में कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आप सेकेंड ग्रुप सी इंटरमीडिएट में ऑडिट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑडिट के पेपर के कई सारे चैप्टर्स के रिविजन एंड क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के लेक्चर्स आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसा यहां पे देख रहे हैं, और भी कई सारे वीडियोस अभी इस पर आने वाले हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हैं अच्छे से और रिवीजन लगाना चाह रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको यहां मिलेगा। जैसे फर्स्ट सेगमेंट आप लोग देख सकते हो रिवीजन लेक्चर का, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 चैप्टर तो आप लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसको पढ़ाया है प्रोफेसर जे एस बत्रा ने, जो ईआईएस एसएम की फैकल्टी हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो ये चैप्टर पूरा उन्होंने ही लिया है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको वहां पे मिलेगा। उसके अलावा ऑडिट सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनके रिविजन लेक्चर जो हैं वो आपको मेरे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन बेस्ड रिविजन का भी हमने प्लान किया है, जिसमें भी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर बत्रा सर से मैंने बात की है कि जल्दी ही इसके ऊपर वो अपना एक वीडियो अपलोड करेंगे। फिर चैप्टर 7, 8, 9 तक के वीडियोज आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिए। देखिए, ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आंसर्स कैसे लिखना है या पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चंस का, वो जब तक हमारे पास में नहीं है उतना नंबर हम लोग स्कोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे हमने ट्राई किया कि क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो उसके भी काफी सारे वीडियो 9 चैप्टर्स तक के अपलोडेड हैं, और भी बाकी चैप्टर्स जो हमारे हैं, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, कंपनी ऑडिट रहेगा, और अदर ऑडिट हमारा जो है, बैंक ऑडिट जो है, उसके चैप्टर्स भी आप लोगों को जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसी तरह से केस बेस एमसीक्यू का जो नया पैटर्न आया, उसके 4 पार्ट में वीडियोस मैंने वहां पे अवेलेबल कराए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि केस बेस एमसीक्यूज कैसे आएंगे, जिसमें आरटीपी के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर किए। उसके अलावा आपको ऑडिट कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, और कुछ ऐसे के रिविजन वीडियोज भी आपको वहां पर मिलेंगे। और इन वीडियोस के साथ में पीडीएफ के अंदर आप लोगों को वहां पे लिंक भी अवेलेबल रहेगा, जहां आप इनके नोट्स को भी बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिए हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में आप देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत कुछ मैं यहां पे अपलोड करने वाला हूं ऑडिट से रिलेटेड और साथ में लॉ से रिलेटेड भी। तो बिल्कुल आप इस चैनल के ऊपर बने रहिए और नोटिफिकेशन देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, अच्छे से तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।